लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में साफ, लेकिन अब की बार जनता नहीं करेगी माफ। हरियाणा में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। प्रदेश में सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा की 90 में से 38 में से 42 सीटों पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है। 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी 18 से 23 सीटों पर भारी दिख रही है। जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के प्रदर्शन पर काफ़ी कुछ अब निर्भर करेगा। साथ ही कांग्रेस की तरफ जा रहे वोट बैंक में इन्हें लो बीजेपी आप और निर्दलीय अगर सेंध लगाते हैं तो बीजेपी की सीटें और ज़्यादा बढ़ सकती है। निर्दलीय हमेशा से हरियाणा में मजबूत स्थिति में रहे हैं। रीजनल पार्टियों में ओम प्रकाश चौटाला की एक ही जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ये 2 से 3 सीटों पर मजबूत दिख रही हैं। वहीं क्षेत्रीय दल दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है। दुष्यंत ने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी यानी ASP से गठजोड़ किया है। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार अपने बूते लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों फिलहाल चौंकाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखा जाए तो हरियाणा की कुल आबादी में 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं। राज्य की 17 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 5 और कांग्रेस ने 7 जीती थी, जबकि JJP और निर्दलीय दोनों को बाकी सीटें गई थी। बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में दोनों रिजर्व सीटें अंबाला सिरसा हार गई। कांग्रेस 17 रिजर्व सीटों में से 11 पर आगे रही। अगर इनेलो BSP और JJP ASP गठबंधन के चलते दलित वोट बटे तो इसका फायदा साफ सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा ही। कांग्रेस के लिए सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी कोर्ट में खाज साबित हो सकती थी, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में ही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रही है। कांग्रेस अपने 36 और बीजेपी 35 बागियों को मना चुकी है, लेकिन आज भी 15 सीटों पर बीजेपी के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में। बागी जिस पार्टी के वोट बैंक में जितनी ज़्यादा सेंध लगाएंगे उसे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, ये साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है। लोगों को नाराजगी पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर से भी रही है। माना जाता है कि इसी वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसकी जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को CM की कुर्सी पर बैठा दिया। हालांकि ग्राउंड पर इसका खास असर भी नहीं देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में इस बार 90 सीटों पर क्या होने जा रहा है। दरअसल हरियाणा में 7 मेन बेल्ट माने जाते हैं। जीटी रोड बेल्ट, ये BJP का गढ़ माना जाता है। दूसरा अहिरवाल बेल्ट, यहाँ भी बीजेपी अच्छे पोजीशन में होती है। तीसरा साउथ हरियाणा, चौथा बांगर बेल्ट और फिर देशवार बेल्ट और बांगर बेल्ट और मेवात, और यहीं से डिसाइड हो जाती है कि जीत किसकी होगी। राज्य की 7 बेल्ट में कौन सी पार्टी की सीट वाइज क्या स्थिति है, चलिए समझते हैं। पहला GT रोड बेल्ट, भाजपा को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान इसी बेल्ट का रहा है, यानी कि GT बेल्ट रोड। 2014 में पार्टी की 47 में से 21 सीटें और 2019 में 40 में से 12 सीटें इसी इलाके से आई थी। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी के साथ साथ सरकार में रहे अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढाढा इसी एरिए से आते हैं। स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता भी यहीं से आते हैं। इस रीजन में ज़्यादातर वोटर गैर जाट हैं और बीजेपी की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार खट्टर मैदान से बाहर हैं और सैनी को सीट बदलते हुए करनाल की जगह लाडवा से उतारा गया है। जगाधरी में आम आदमी पार्टी के टिकट पर उतरे कांग्रेस के बागी आदर्श पाल गुर्जर बिरादरी से आते हैं और वो शिक्षा मंत्री रहे कंवर पाल गुर्जर को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंबाला कैंट में अनिल विज को पिछले 3-4 चुनाव के मुकाबले इस बार कई गुना ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 2019 के मुकाबले इस इलाके में बेहतर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी की सीटें सिंगल डिजिट तक भी सिमट सकती है। तो इस बेल्ट का तो हाल आप समझ चुके हैं। अब आते हैं दूसरे बेल्ट पर। हरियाणा का ये दूसरा ऐसा इलाका है जहां बीजेपी स्ट्रांग ही मानी जाती है। उसने 2014 में यहां की सभी 11 और 2019 में भी 11 में से 8 सीटें जीती थी। अहिर बाहुल इलाका में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा या प्लस पॉइंट कहें तो वो राव इंद्रजीत सिंह है। कांग्रेस के बड़े लीडरों में कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह इसी बेल्ट से आते हैं। बीजेपी में अभय सिंह यादव और राव नरवीर जैसे इक्का दुक्का चेहरों को छोड़ दें तो पूरी अहिर बेल्ट को राव इंद्रजीत अपने हिसाब से हाँकते रहे हैं। उनका यही स्टाइल उनके लिए मुसीबतें इस बार बढ़ा रहा है। अटेली से अपना पॉलिटिकल डेब्यू
करने जा रही उनकी बेटी आरती पहले ही चुनाव में फंसी हुई नजर आ रही है। यहाँ राव विरोधी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। नारनौल में ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी में अभय यादव की स्थिति कुछ ठीक है। कांग्रेस की बात करें तो महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह और रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत के भाई राव यदुवेंदु ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोसली में कांग्रेस के जगदीश यादव जीत सकते हैं। गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी और बावल में अगले 10-12 दिन में ऊंट किस तरफ बैठेगा ये पता चल जाएगा। अब आते हैं तीसरे बेल्ट पर, यानी कि साउथ हरियाणा। यूपी और दिल्ली से लगे फरीदाबाद, पलवल की 9 सीटें दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी लहर के बावजूद 2014 में बीजेपी यहाँ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2019 में उसने यहाँ की 9 में से 7 सीटें जीत ली। इस इलाके में गुजरों का प्रभाव है। फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद बने बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर इसी बिरादरी का प्रमुख चेहरा है। इस बार वो फरीदाबाद एनआईटी सीट से अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट चाहते थे। इसके चलते यहां कैंडिडेट का ऐलान नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक रुका रहा। उसके बाद पार्टी ने गुर्जर के बेटे की जगह विपुल गोयल को टिकट थमा दिया। कांग्रेस में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उभय भान के अलावा नीरज शर्मा और करुण दलाल इसी इलाके से आते हैं। दिल्ली से सटे होने की वजह से यहाँ आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत असर है। शहरी वोटरों ने साथ दिया तो फरीदाबाद सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, पलवल और होडल में कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। हथीन, तिगांव और त्रिथला में मुकाबला 50-50 पोजीशन में है। अब आते हैं बांगर बेल्ट पे। बांगर बेल्ट में क्या है चुनावी समीकरण? दरअसल दुष्यंत मुश्किल में हरियाणा का हार्ट कही जाने वाली इस बेल्ट पर बड़े चेहरे के आमने सामने होने के कारण सबकी नज़र यहाँ है। सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह को के साथ साथ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और जय प्रकाश जेपी इसी इलाके से आते हैं। 2019 में इन तीनों परिवारों को हार झेलनी पड़ी थी। इस बार इन तीनों नेताओं के बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल में रणदीप के बेटे आदित्य सुरजेवाला को शुरुआती एज है, लेकिन कलायत में जय प्रकाश जेपी ने विवादित बयानबाजी से अपने बेटे विकास सहारन की राह मुश्किल तो बना ही दी है। जिंद की हाई प्रोफाइल सीट उचाना में वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह कड़े मुकाबले में फंसे हैं। जाट वोट बटे तो 2019 में अपने मां प्रेमलता को जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के हाथों मिली हार का बदला लेने की वीरेंद्र सिंह की राह मुश्किल हो जाएगी। चौटाला परिवार भी उचाना से ताल ठोकता रहा है। ओम प्रकाश चौटाला को सजा होने के बाद उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी बनाते हुए ये सीट खुद के लिए चुनी, लेकिन इस बार के नतीजे उनके लिए शायद ही सुखद रहे ये माना जा रहा है। वहीं जिंद की जुलाना सीट रेसलर विनेश फोगाट की वजह से चर्चा में है। विनेश का यह पहला चुनाव है और उन्हें जिताना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सफीदों और जिंद शहर में कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। नरवाना में इनेलो कैंडिडेट विद्या रानी चौंका सकती हैं। कैथल की पुंडरी सीट पर 6 बार से निर्दलीय उम्मीदवार जीतता रहा है और इस बार भी कांग्रेस के बागी सतबीर भाणा यह रिकॉर्ड बरकरार रख सकते हैं। अब आते हैं देशवाल बेल्ट पर। पुराना रोहतक और जाटलैंड कहलाने वाले इस इलाके में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत के इस एरिए में मोदी वेब के बावजूद बीजेपी न तो 2014 में बढ़त बना पाई थी न 2019 में। इस बार हुड्डा अपने किले में ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। रोहतक, झज्जर की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से नुकसान नहीं पहुंचा तो महम सीट भी दांगी परिवार जीत सकता है। कांग्रेस के पुराने दिग्गज आनंद सिंह दांगी 2019 का चुनाव महम में निर्दलीय बलराज कुंडू से हार गए थे। इस बार आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे बलराम दांगी को टिकट दिलाया है। सोनीपत की 6 में से 4 सीटों यानी बदौरा, बुहाना, राय और खरखौदा में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। सोनीपत सीट से 2019 में विधानसभा चुनाव जीते सुरेंद्र पंवार पर पिछले दिनों ईडी की रेड पड़ी थी। वो 24 जुलाई से जेल में है। पंवार का प्रचार उनकी पुत्रवधु समीक्षा पंवार और दोस्तों ने संभाल रखा है। सोनीपत में कांग्रेस को बीजेपी की गुटबाजी का फायदा मिल सकता है।
यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और उनका परिवार कांग्रेस से आकर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे निखिल मदान की मदद से इनकार कर चुका है। तो ऐसे में यहाँ की भी स्थिति जो है वो कड़ी मानी जा रही है। अब आते हैं बांगर बेल्ट पे, ये भी बहुत खास बेल्ट माना जा रहा है। इस बार ये इलाका हरियाणा के तीनों लाल परिवारों देवी लाल, बंसी लाल और भजन लाल की कर्मभूमि रही है। विधानसभा सीटों के लिहाज से ये जीटी रोड बेल्ट के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ के पांचों जिलों में जाट वोटरों का डोमिनेंस रहा है। 2014 हो या फिर 2019, कोई पार्टी इस इलाके में एक तरफा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इस बार भी रिजल्ट मिक्स रहने के ज्यादा चांसेस हैं। रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रंजीत चौटाला के सामने अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला हैं। अभय के बड़े भाई अजय चौटाला की जेजेपी यहां रंजीत का समर्थन कर रही है। डबवाली में इनेलो ने बीजेपी छोड़कर आए आदित्य देवीलाल चौटाला को टिकट दिया है, जिनके सामने उन्हीं के भतीजे और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला हैं। इस बार इनेलो सिरसा की 2 से 3 सीटों पर मुख्य मुकाबले में है। हिसार की 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय भारी दिख रही है। आदमपुर में लोकल बनाम बाहरी का जो नारा चल रहा है वो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य के पक्ष में काम कर सकता है। हिसार शहर की सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल ने बीजेपी के कमल गुप्ता की राह में कांटे बो दिए हैं। शिवानी की 4 और फतेहाबाद की 3 सीटों पर मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। तो शाम सीट जीतना किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति के लिए नाक का सवाल बन गया है। चरखी दादरी की 2 सीटों पर कांग्रेस को अपर हैंड कह सकते हैं, मतलब अच्छी स्थिति में। अब आते हैं लास्ट जो बेल्ट है वो है हरियाणा का मेवात। मुस्लिम कांग्रेस के साथ है यहाँ। नूह में बीजेपी को ध्रुवीकरण की आस लगी हुई है। मुस्लिम बाहुल्य इस जिले की 3 सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में यहाँ 2 सीटों पर इनेलो के विधायक बने, जबकि 3 सीट निर्दलीय के पक्ष में गई थी। पिछले साल हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए दंगों की वजह से नूह देश दुनिया में सुर्खियों में रहा था। उसके बाद हुई गिरफ्तारियों और बुलडोजर एक्शन से मुस्लिमों के मन में ये भावना और गहरे तक घर कर गई है कि बीजेपी उनके खिलाफ है। इसका फायदा कांग्रेस को यहाँ से मिल सकता है। हिंसा का सबसे ज्यादा असर नूह शहर और इससे लगते इलाके में पड़ा था। बीजेपी ने इस सीट से हिंदू कार्ड खेलते हुए अपने मुस्लिम नेता जाकिर हुसैन की जगह संजय सिंह को उतारा है। राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह 2019 में सोहना से विधायक बने थे। इस बार उन्हें नूह शिफ्ट किया गया है। बीजेपी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि नूह विधानसभा हलके में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा उसे मिल सकता है। यहां संजय सिंह का मुकाबला कांग्रेस के आफताब अहमद से है। बीजेपी ने इस जिले की फिरोजपुर झिरका सीट से नसीम अहमद और कुनहाना से एजाज खान को टिकट दिया है। इसका मुकाबला कांग्रेस के मामन खान और मोहम्मद इलियास से है। तो यह सारे समीकरण हैं और इसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपने गढ़ में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी का जो बेल्ट माना जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स कई सारे बताए जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।